समरी को देखें। देखते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के समरी को। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन इम्पोर्टेंट ऐसे रिटन बाय बापू। देखिए इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे है, एक निबंध है जो बापू के द्वारा यानी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। बापू महात्मा गांधी को कहा जाता था और यह एक ऐसे है, यह याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन दिस ऐसे, इस ऐसे में ही डिस्क्राइब व वर्णन करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। किसके बारे में? तो महत्ता बताते हैं किसका, इंडियन सिविलाइजेशन का, भारतीय सभ्यता का महत्ता की बात का वर्णन करते हैं। ही प्रेजेज, प्रेजेज मीन्स होता है, प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा करना। ही प्रेजेज आवर एंशियंट सिविलाइजेशन एंड सेज, वह हमारे पुराने जो सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं डेट नो अदर सिविलाइजेशन, कि कोई भी ऐसा सिविलाइजेशन नहीं है ऑफ द वर्ल्ड, संसार में, संसार का कोई भी ऐसा सिविलाइजेशन नहीं है कैन बी कंपेयर विथ आवर सिविलाइजेशन, जो हमारे सिविलाइजेशन से, हमारी सभ्यता से कंपेयर कर सकता है, तुलना कर सकता है। गांधी जी के अनुसार सिविलाइजेशन इज द वे ऑफ कंडक्ट, यह जो है एक तरीका है। किस चीज़ का? तो नैतिकता का एक तरीका है। इट टीचेज अस टू डू आवर ड्यूटी, जो हमें अपना कर्तव्य के बारे में, हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, हर एक प्रोफेशन का एक कर्तव्य होता है, तो उस कर्तव्य को बताने का काम करते हैं, करता है हमारा सिविलाइजेशन। इट आल्सो टीचेज अस, यह हमें सिखाता है, यह भी द लेसन ऑफ मॉरेलिटी, नैतिकता का पाठ भी हमें पढ़ाता है, सिखाता है। हमारा सिविलाइजेशन हमें नैतिकता का पाठ भी पढ़ाता है। आवर सिविलाइजेशन इज द मोस्ट एंशियंट, हमारा सिविलाइजेशन जो है बहुत प्राचीन है, बहुत ज़्यादा प्राचीन है, एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट, और सबसे ज़्यादा मजबूत भी है, क्योंकि यह इमोवेबल है, कभी बदलने वाला नहीं, अडिग है। ऑफ ऑल द सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, सभी सिविलाइजेशन, संसार के सभी सिविलाइजेशन से हमारा सिविलाइजेशन सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन है, सबसे प्राचीन सभ्यता है और सबसे मजबूत सिविलाइजेशन है। मुझे आशा है आप समझ रहे होंगे। मैनी सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, अधिकांश सिविलाइजेशन, अधिकांश सभ्यता जो संसार का है, बॉर्न एंड वेस्टेड, जन्म लिया और बर्बाद हो गया, यानी जन्म लिया और उनका पतन हो गया। बट आवर सिविलाइजेशन रिमेंड इमोवेबल, लेकिन हमारी जो सभ्यता है वह हमेशा इमोवेबल, अटल रहा। आवर सिविलाइजेशन इज द ओनली सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता एकमात्र ऐसी सभ्यता है इन द वर्ल्ड, संसार में, व्हिच हैज नॉट लॉस्ट इट्स एंशियंट ग्लोरी, जिन्होंने अपने प्राचीन गौरव को, अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा को अभी तक नहीं खोया है। गांधी जी आल्सो सेज, गांधी जी यह भी कहते हैं कि इन दिस ऐसे, इस ऐसे में, इस निबंध में, कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, यह लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, कि हमारा मन जो है यह एक बेचैन चिड़िया है, बिकॉज इट इज नेवर सेटिस्फाइड, क्योंकि यह कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है, कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। यह लाइन याद रखें, पूछा जा सकता है यह लाइन दे करके कि हैज टेकन फ्रॉम कहाँ से लिया गया है, या इनके राइटर कौन हैं, तो आपको याद रखना है यह कहाँ से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, और इनके जो लेखक हैं वो हमारे महात्मा गांधी, हमारे बापू, राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन, याद रखिएगा। दस इस प्रकार अकॉर्डिंग टू गांधी जी, इंडियन सिविलाइजेशन इज सुपेरियर टू एनी अदर सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इस तरह हमारे गांधी जी के अनुसार भारतीय सभ्यता जो है यह श्रेष्ठ है किसी दूसरे सभ्यता से, संसार में किसी दूसरे सभ्यता है। चलिए अब फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।